डॉक्टर एजाज अली साहब की जो कुर्बानी है वो बहुत काबिल है, क्योंकि बहुत दिनों से लगे हुए हैं और मैं तो ये कमाई हूँ अपनी ज़िंदगी इस कौम के लिए लगाती है, अपनी कौम मुसलमानों के लिए, और हमेशा लड़ाई करते हुए। और आपने देखा होगा कि जिस वक्त ये राज्यसभा में थे उस वक्त भी जब महिलाओं का आरक्षण पेश किया जा रहा था 30% का कोटा, उस टाइम पर इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि अच्छा ये बताइए इस आरक्षण के अंदर मुस्लिम महिलाओं को कितना रिजर्वेशन होगा, कितने परसेंट होगा। लेकिन उसी टाइम पर मैं रोक दिया था और बल्कि जो वहाँ से आउटपुट किया था किसी ने बच गया। तो ये वो सक्सेस है, जितनी भी इनकी तारीफ की जाए वो उतनी कम है। और मेरी आपसे सभी से गुजारिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब भी ये बुलाए अपना कीमती जितना भी कीमती समय क्यों ना हो वो डॉक्टर एजाज अली साहब के उसमें प्रतियों से खर्च करें, उस टाइम को खर्च करें। इंशाल्लाह आपको सवाब के अंदाज तो होंगे, क्योंकि आप ही के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ही अगर पीछे हट जाए तो ये लड़ाई किसके लिए लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा दंगा होना, दंगा होता नहीं, दंगा कराया जाता है नेताओं के द्वारा। इस देश में कभी दंगा हुआ नहीं, दंगा कराया जाता है हिंदू मुसलमान को लड़ा करके, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान या मुसलमान हिंदू और मुसलमान यही मुद्दा है इनके पास, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। अगर ये मुद्दा ये बंद कर दे, ये कहना बंद कर दे अपनी जबान से हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान हिंदुस्तान, तो ये दंगा मैं समझूंगा कि ये कभी होगा ही नहीं। ये तो सिर्फ कराते इसलिए है, एक बार बताइए 84% हिंदू भाइयों को ये डराते हैं, एकजुट हो, किसके लिए एकजुट कर रहे हैं? मुसलमानों को डराने के लिए एकजुट कर रहे हैं या मुसलमान हिंदुओं को डराने के लिए एकजुट कर रहे हैं? आप इन नेताओं से पूछो ये कहाँ ले करके जा रहे हैं इस देश को। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या अभी पीछे जो वादे किए गए हैं कि पाकिस्तान का ये करेंगे वो करेंगे, आप 60 साल कांग्रेस को दिए हैं, मुझे 60 महीने दो भाइयों बहनों, मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन जैसे ही इनको सपा समारोह होने जा रही है तो ये 60 मिनट में बदल दे, 60 मिनट में इनकी बगल में नवाज शरीफ पटेल भी थे जो पाकिस्तान के गए, इतने फुनकार आतंकवादी फलाना ये बात करते हैं, कभी 60 साल में कांग्रेस ने अपने शपथ समारोह में 60 साल के अंदर भी बुला, इन्होंने 60 मिनट में अपनी बगल में नवाज शरीफ को बैठा रखा था, आपने देखा होगा सभी। इसके बीच में आपको मैं एक और याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार में 10 साल में हमारे जो जवान थे सीमाओं पर सिर्फ 72 जवान शहीद हुए थे, और इन 4 साल के अंदर इन्होंने हमारे 772 जवान शहीद करा दिए। तो ये किधर लेकर जा रहे हैं इस देश को, इनसे हमें सावधान होना है, बचना है। हमारे अगर परिवार के अंदर कहीं शादी हो रही हो, बहन भाइयों के या परिवार में अगर वे हमें कार्ड ना दे तो क्या हम जाएंगे वहाँ से दावत खाने के लिए? नहीं जाएंगे ना। ये बगैर बुलाए पाकिस्तान में वहाँ बड़ी बड़ी दावत खा रहे हैं, तो हमारे देश का नाम इन्होंने ऊंचा किया है या नीचा, आप समझेंगे, बगैर बुलाए पाकिस्तान में पहुँच रहे हैं, तो हमें इनसे सावधान होना होगा। और ये जो दंगा कराते हैं ये हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं, इनसे सावधान होना पड़ेगा। कई टीवी पर आपने देखा होगा आज का टीवी पर, अगर ये गांव के मास की जो बात करते हैं तो उसका आज का टीवी वालों ने ये नहीं आ रहा से बजरंग दल वालों से बात की थी गोपनीय कैमरे के अंदर, और उसमें इन्होंने मीट को पहुँचाने तक तबादला किया था 10,000 रुपया दो और जान चाहो कि वहाँ मीटम पहुँचा दें, तो ये कोई और नहीं पूछा रहा, ये तो सिर्फ एक कलंकित कर रहे हैं मुसलमान को, इसलिए इनके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। कहीं आपने देखा होगा कि वहाँ पर हिंदू मुसलमान लोग पाकिस्तान में लोग ये तो गद्दार है, अगर भेज के तो देखो कहीं तो टी वी पोर्टियों में जो उनसे बकवास करते हैं ऐसे उस टेन पर मिले जो पाकिस्तान भेज दो, बस जिसमें हिम्मत है वो कहकर के दिखा दो एक बार कि जाओ पाकिस्तान में, किसी बात में पाकिस्तान पाकिस्तान मुसलमान नहीं जाएगा, अगर जाना पड़ेगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा इस देश को छोड़ करके, अगर बकवास करते हैं ये तो, अगर हिम्मत है तो सामने एक बार इस बात का चैलेंज आपसे क्या एक बार कह करके देते हैं आदेश इसे निकाल कर देते हैं कि इनको निकाल दो, कह करके तो देखो निकालने की हिम्मत है तो करके तो दिखाओ, एक बार बकवास करते हैं हिंदू मुसलमान बिरानी की बात करते हैं इसके अलावा
है, राजनीति कर लिया तो करिए, कौन मदद कर रहा है। लेकिन ऐसा जेल तो मतलब घूमने नहीं चलता, कभी देखा ही नहीं था मुसलमान हिंदुस्तान मुसलमान के साथ ये बकवास करते रहे, हिंदी सुन सुन करके जेल घोलना शुरू कर दिया। हमें यही नहीं पता था कौन का अच्छे थे, हिंदू का है मुसलमान का है। हम तो हमेशा ही समझते थे ये हमारा ताया है, ये हमारे चाचा है, और यहाँ आकर के जो पढ़े बकवास करते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, यही बैठ करके टीवी के ऊपर हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। तो हमें इनसे सावधान रहना है, इनसे बचना है, अपने एकजुट हो जाओ और किसी के ऊपर जुलम हो, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, जुलम तो जुलम है, जुलम को बर्दाश्त करना बंद कर दो। जय हिंद, जय भारत।